इंटरेस्टिंग स्टोरी है। उसका बैलेंस चला गया, आप सोचे कितना डेंजरस होगा। अब उसने फिर से अपना माइंड चेंज कर लिया। अभी मैं एक अच्छी कहानी सुनाऊंगी, इसलिए चलो शुरू हो जाते हैं हम लोग। आज मैं आपको चैप्टर सिक्स पेज नंबर 12 द ग्रीडी मैन मतलब द लालची लड़का की कहानी सुनाऊंगी। तो चलो शुरू होते हैं। अब मैं पेज खोलती हूँ, उसके बाद हम लोग रीड करेंगे। अब देखिए मैंने पेज नंबर खोल लिया है, अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ माइजर नेम्ड सोनामल। आप लोग को माइजर का मतलब नहीं पता तो मैं बता देती हूँ। माइजर मतलब बहुत ज्यादा कंजूस, पैसे बचाने के लिए बहुत कंजूस हो जाते हैं लोग कभी कभी। वंस देयर वाज अ माइजर नेम्ड सोनामल। वैसे ही एक शहर में एक कंजूस रहता था जिसका नाम था सोनामल। वो One day he went to the market to buy a coconut. There the miser asked the coconut vendor, "What is the price of coconut?" तो एक दिन वो मार्केट गया था कोकोनट खरीदने के लिए और वहां से कोकोनट वेंडर से पूछा कि इस एक कोकोनट का क्या रेट है। तो कोकोनट वेंडर ने बोला, 5 rupees each, sir," said the vendor. 5 rupees का हर एक कोकोनट मिलेगा, ऐसा उसने बोला। अब देखिए, it's too much for a small coconut, said the सोनामल। तो सोनामल ने कहा कि ये बहुत ज्यादा रेट है एक छोटे से कोकोनट के लिए। आप लोग तो जानते ही होंगे कि कंजूस लोग ऐसे ही बिहेव करते हैं। अब देखिए, अब क्या बोलते हैं? Would you give me in 4 rupees? asked सोनामल। तो उसने पूछा कि आप क्या मेरे को कोकोनट 4 rupees में देंगे क्या? तो फिर देखिए, अब वेंडर बोल रहा है कि नो सर, हाउएवर इफ यू वॉक अहेड फॉर अ किलोमीटर देयर यू कैन सडनली गेट इट फॉर 4 rupees। अब देखिए वो बोल रहा है कि हम आपको 4 rupees में नहीं दे सकते हैं। अगर आप 1 किलोमीटर आगे जाइए तो आपको एक कोकोनट वेंडर दिखेगा, उससे आप पूछे, वो आपको 4 रुपया में देगा। अब देखिए आगे क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सेड, अब देखिए, सोनामल थॉट, नेवर माइंड इफ आई हैव अ वॉक 2 किलोमीटर टू सेव 1 rupee। तो सोनामल ने सोचा कि मैं कुछ भी करूंगा अपने पैसे बचाने के लिए, इसलिए उसने सोचा कि उसका 1 rupee बच जाएगा। अब देखिए, सोनामल वॉक अहेड फॉर अ किलोमीटर, देयर ही सॉ अ कोकोनट वेंडर। तो वो 1 किलोमीटर पैदल चला, सोचिए 1 किलोमीटर पैदल चला एक छोटे से कोकोनट के लिए। अब वहां पे उसको एक कोकोनट वेंडर मिला। अब देखिए वो क्या पूछता है, he asked the price of the coconut. अब उसने पूछा कि इस कोकोनट का प्राइस क्या है? 4 rupees each, sir, said the vendor. उसने, the coconut vendor ने बोला कि 4 rupees का हर एक कोकोनट मिलेगा आपको। अब देखिए, 4 rupees, no, I can pay each you only 3 rupees. अब उसने अपना माइंड चेंज कर लिया। अब वो बोल रहा है कि वो 4 रुपये में नहीं लेगा, अब वो 3 रुपये में लेगा। अब देखिए उसने ऐसा कहा, नो सर, आई कांट गिव अ कोकोनट इन 3 rupees, बट इफ यू वॉक अ किलोमीटर अहेड यू सर्टेनली गेट अ कोकोनट इन 3 rupees, सेड द वेंडर। तो उसने कहा कि वो आपको 3 रुपया में नहीं दे सकता है, अगर आपको चाहिए 3 रुपये में तो 1 किलोमीटर और आगे बढ़िए, तो फिर आपको एक और कोकोनट वेंडर मिलेगा, आप उससे पूछिए, वो आपको 3 रुपये में देगा, ऐसा उसने कहा था। अब देखिए आगे बढ़िए, द ग्रीडी सोनामल वॉक डाउन फॉर अनदर किलोमीटर। वो लालची सोनामल एक और किलोमीटर चला, सोचिए अब उसने 20 के, उसने अब 2 किलोमीटर चला है। अब he saw a coconut vendor there and asked the price of coconut. तो वो जब पहुंच गया उसने पूछा कि ये कोकोनट कितने रुपया का मिलेगा। अब देखिए कोकोनट वेंडर ने कहा कि 3 rupees, 3 rupees each, sir, said the coconut vendor.
माइंड चेंज कर लिया। देखिए देखिए अब इसने फिर से अपना माइंड चेंज कर लिया, अब आके पढ़ते समझ आएगा। तो अरे कहाँ थी मैं, हाँ इधर थी। 3 rupees? No. I can pay only 2 rupees for a coconut. अब देखिए वो कितना लालची हो गया। अब वो बस कोकोनट 2 रुपए में लेगा। देखिए इतना इतना सस्ता कोकोनट कहीं मिलता ही नहीं होगा। अब देखिए 2 रुपए में उसको अब कोकोनट चाहिए। सेड सोनामल, सर इफ यू वांट इट इन 2 rupees यू शुड वॉक अ किलोमीटर अहेड, देयर यू विल गेट इन इट इन 2 rupees उसने सेड द वेंडर। अब वो क्या करेगा, अब उसे एक और किलोमीटर आगे बढ़ना है 2 रुपए कोकोनट के लिए। अब देखिए वो एक और किलोमीटर आगे बढ़ता है। अब देखिए द माइजर सोनामल थॉट मनी इज वेरी प्रीशियस, इफ आई सेव अ रुपी बाय वॉकिंग जस्ट अ किलोमीटर अहेड देन आई विल मस्ट वॉक डाउन। तो उसने सोचा कि मनी तो बहुत जरूरी होता है अपने लिए, तो फिर चलो मैं एक और किलोमीटर में हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए वो एक और किलोमीटर चढ़ देता है और वो बोलता है कि बस एक और किलोमीटर चढ़ने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, मतलब एक कोकोनट के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा, तो फिर मुझे चलना चाहिए। सो सोनामल वॉक्ड अहेड फॉर अ किलोमीटर, Now he was on the beach. तो वो एक और किलोमीटर चला और अब वो तो नदी के किनारे पहुंच गया, यानी कि बीच पे पहुंच गया। अब देखिए a number of coconut vendors were there. तो वहां पे बहुत सारे कोकोनट वेंडर्स थे। उसमें से सोनामल ने एक से पूछा। सोनामल asked one of them of the price of the coconut. तो उसने उनमें से एक से पूछा कि इस कोकोनट का प्राइस क्या है। अब देखिए 2 rupees each sir, said the vendor. 2 रुपए में आपको ये एक कोकोनट मिलेगा। अब देखिए अब उसने फिर से अपना माइंड चेंज कर लिया। ये देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। 2 rupees? No. I pay a coconut in 1 rupees. तो अब देखिए अब वो उसको कोकोनट 1 रुपए में दे, 1 रुपए में देखिए अब वो क्या करता है। 1 रुपए में अब उसको कोकोनट चाहिए। Why? तो अब देखिए वेंडर बोल रही है, कोकोनट वेंडर, Why don't you climb up on the one of these trees and pluck a coconut for nothing? तो फिर कोकोनट वेंडर ने कहा कि आप एक ये कोकोनट ट्री है इस पे आप चढ़ के खुद ही से क्यों नहीं उतार लेते हैं, ये आपको कुछ भी प्राइस में नहीं मिलेगा, फ्री फॉर यू फ्री फॉर मी, ऐसा वो बोलने लगा। व्हाट? अब देखिए रिप्लाइड द वेंडर, उसने ऐसा कहा। ओके द एडवाइस अपील्ड टू सोनामल, ही क्लाइंब्ड अप द ट्री, held a coconut with both of his hand and tried to pluck it. अब उसको ये आइडिया अच्छा लगा। अब वो देखिए अब वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया और दोनों हाथ में कोकोनट ले गया और तोड़ने लगा। अब देखिए but while doing so he lost his balance and fell down on the sandy beach. So तो फिर वो जब भी ये कर रहा था उसका बैलेंस चला गया। आप सोचिए कितना डेंजरस होगा, उसका बैलेंस ही चला गया और अब वो अपना बैलेंस चला गया तो वो नीचे गिर गया। अब देखिए उसको कितना दर्द होगा और अब देखिए आगे क्या होता है। ऑन द सैंडी बीच पे था ना, सैंड होता है हर जगह। सोनामल इंडीड गॉट अ कोकोनट, हाउएवर ऑफ कॉस्ट हिज फ्रैक्चर बैक एंड स्क्रैचेस ऑन हिज बॉडी। उसको कोकोनट तो मिल गया लेकिन अब उसे कोकोनट से ज्यादा रेट बनवाना पड़ेगा क्योंकि अब उसकी बैक में फ्रैक्चर आ गया है और उसकी बॉडी में भी डैमेज हो गई है। अब देखिए अब ये मॉरल ऑफ द स्टोरी है, ग्रीड हैज नो एंड इट्स ऑफन लीड्स टू मिसडीड्स एंड सफरिंग्स। मतलब जो लोग लालची होते हैं उन लोग के पास कोई खत्म होने की बातें नहीं होती है, इतना आप लोग हमेशा ध्यान रखें। थैंक यू। अगर आपके
नीचे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना नीचे चैनल में। और अभी तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। अगली बार मैं और अच्छी स्टोरी बना के लाऊंगी। ओके।